सारी दुनिया चांद पे जात है, हम सीधा सूरज पे जाप। अच्छा। नहीं नहीं बेटे, सूरज तो बहुत गर्म होता है, वहाँ आग ही आग है। अरे ही खातिर तो हम फैसला किए हैं कि हम सूरज में दिन में नहीं, रात में जाओ, रात में। अब बड़ी कलेजे में ठंडक से रहे और मार इसे। अरे माँ, मैं कुछ लोगों को दुश्मनी से थोड़ी मारता रहता हूँ, औलाद ज्यादा बिगड़ न जाए इसलिए मार देता हूँ। खूबसूरत औरतों के लिए डिस्काउंट भी हो जाता है, खूबसूरत औरतों को अच्छे कपड़े भी दिखा देते हैं। मैंने आज तक पाकिस्तान में कसम खुदा की ना खूबसूरत औरत देखी है। सारा पाउडर का माल है। वो मौत का फरिश्ता आता है ना, तो वो भी देखता है, वो कहता है कवस करने के लिए आता है, तो सुबह उसका चेहरा चेंज होता है, दिन को चेंज होता है। गजब बेइज्जती है, इसकी मूर्ति बननी चाहिए। खगेश, लोगों के जो चैनल होते हैं वो इंस्पायर करने के लिए होते हैं, लेकिन तुम्हारा ना एक्सपायर हो जाना चाहिए। बोल लो, मुंह बना के बैठे हो। बच्चों का थोड़ा फायदा हो जाएगा, ऐसे कंटेंट देखेंगे तो खराब ही हो। ऐसा लग रहा अपना हो गया रोज। मैं तो क्लियर कह रहा हूँ, पाकिस्तान का बॉर्डर यूपी से जोड़ दो, रातों रात आधा पाकिस्तान गायब हो जाएगा। 16-16 साल के लड़के हूरों से मिलने के लिए जैकेट बांध कर फट रहे हैं। कोई यहाँ फट रहा है, कोई अफगानिस्तान में फट रहा है, कोई ताज मुंबई में फट रहा है। एक बंदा, एक लड़का था, वो इंग्लैंड में फटने गया तो फट नहीं पाया कुछ, बहरहाल उसको रोक लिया सिक्योरिटी फोर्सेस ने, जख्मी अख्मी हो गया, उसको हॉस्पिटल लेकर गए। जब उसकी आंख खुली तो उसके सामने दो अंग्रेज नर्सेस खड़ी थी, तो क्योंकि उसने अंग्रेज पहले कभी देखी नहीं थी लड़की, तो उसको आधा घंटा ये समझाने में लग गया कि बेटा ये हूर नहीं है, नर्स है, और तू मरा नहीं है, जिंदा है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से बस करें, दबा के। तुमने खेला कभी पबजी? हाँ। पबजी खेला है? नहीं। क्या होता है पबजी? वो गेम निकला है, काय को निकला तो क्या पता। लेकिन लड़की से अच्छा तो वही गेम। अरे हमारा तो उत्तर प्रदेश ऐसा है, यहाँ भी खुदा वहाँ भी खुदा, जहाँ नहीं खुदा है वहाँ कल खुदेगा। टीचर राजू से बोला कि बेटा कभी मत कहो कि मुझे कुछ नहीं पता, हमेशा कहो कि मुझे सब पता है। राजू घर पे गया, पापा पापा मुझे सब पता है। बेटा ये ले 50 रुपए, आंटी तो सिर्फ मिलने आती। मम्मी मम्मी मुझे सब पता है। बेटा ये ले 100 रुपए, किसी को मत बताना, रामू काका तो सिर्फ रूम साफ करने आते हैं। रामू काका मुझे सब पता है, सबको जानते हुए भी अपने बाप को गले नहीं लगाएगा पगले। आप यहाँ पे नेहरू प्लेस मार्केट में आयो, क्या खरीदा अभी तक? कुछ नहीं, शेरवानी लेने आया था, कल शादी है ना। अच्छा अच्छा, आपकी शादी है? नहीं मेरी नहीं है, बड़े भैया की है। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन बड़े भैया को लड़की अच्छी नहीं लग रही, क्या पता घर वाले मेरी करा दें। हेलो जी। हेलो जी। वो जी, मैं चाय बनाने गया तो मैंने देखा दूध ही खत्म हो गया, तो मैंने सोचा दूध पीना है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? लाइए मैं दूध ले आती हूँ। A few moments later. थैंक यू जी। अगर आप ही होते ना तो बिना दूध की चाय भी नहीं बनती, और आपके दूध की चाय का तो जवाब ही नहीं है। तू समझा? बड़ा हैरान हूँ।